हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक का सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 22 लंगन भृंगिणी अध्याय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस अध्याय में सबसे पहले द्विविध उपक्रम की बात हुई है। द्विविध उपक्रम कौन सा होता है? संतर्पण एंड अपतर्पण, जो कि आचार्य वाग्भट ने बताया है। आचार्य चरक ने 6 प्रकार के उपक्रम बताए हैं। षडविध उपक्रम जिसे हम कहते हैं, लंगन, भृंगन, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन एंड स्नेहन, रूक्षण, स्तंभन एंड स्वेदन। मैं फिर से बताती हूँ, लंगन, भृंगन, स्नेहन, रुक्षण, स्तंभन एंड स्वेदन। उन्होंने स्तंभन को संतर्पण बोला है एंड स्वेदन को उन्होंने अपतर्पण बताया है। अग्निवेश ने इस अध्याय में 12 प्रश्न पूछे हैं। अब लंगन क्या होता है? जो देह में लघुता उत्पन्न करे। एंड भृंगन क्या होता है? जो देह में भृंगता करे। रुक्षण क्या होता है? जो रुक्षता, खरता और विषदता को उत्पन्न करे। स्नेहन क्या होता है? स्नेहम, विषंदम, मार्दवम, क्लेद कारकम, जो क्लेदता, मार्दव, ये जो गुण है बॉडी में उत्पन्न करे। एंड इसके बाद है जो स्तंभन, गौरव जो उत्पन्न करे वो है स्वेद। ठीक है, विषंदन मतलब कि जो विलयन उत्पन्न करे, मतलब कि जिसमें धातुएं जो है वो डिसॉल्व हो जाएं। अब जो श्लोक वाइज मैं आपको बताती हूँ कि ये श्लोक रख के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ये किसके लिए कहा है, लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विषंदम, रुक्षम, खरम या सरम, मतलब खरम सरम। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विषंदम, रुक्षम, खरम, सरम। तो ये किसके लिए कहा गया है? ये लंघन के लिए कहा गया है कि रुक्षण के लिए कहा गया है? ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो ये लंघन के लिए कहा गया है। और दूसरी ओर लघु, रुक्ष, खरम, तीक्ष्ण, उष्ण, स्थिरम, अपिच्छिलम, ये रुक्षण के लिए कहा गया है। एंड उसी तरह से जो भृंगन के रिलेटेड श्लोक है वो तो आप गैस कर ही लेंगे, गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, बहलम, स्थूल, पिच्छिलम, ये भृंगन के लिए कहा गया है। स्नेहन के लिए कहा गया है कि प्रायो मंद, मृदु च यद द्रव्यम तत् स्नेहम मतम। एंड स्वेदन के लिए उष्ण, तीक्ष्ण, स्निग्धम, रुक्षण, सूक्ष्म। स्तंभन के लिए शीत, मंद, मृदु, लक्षण। तो ये मतलब षड उपक्रम है, आपको ये श्लोक लर्न नहीं करने हैं, एक एक बार आपको ये पढ़ लेना है, रीडिंग दे देनी है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से है, जैसे कि मैंने आपको श्लोक बताया लंघन का और श्लोक बताया मैंने आपको रुक्षण का, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा गुणों में सिमिलैरिटी है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंघन और रुक्षण कितने अंशों में उनकी समानता है? तो आंसर है उनकी समानता 5 अंशों में है। और इसी तरह से भृंगन और स्नेहन की 6 अंशों में समानता है, जबकि भृंगन और स्तंभन की 5 अंशों में समानता है। लंघन 10 प्रकार का बताया है, चतुष प्रकार संशुद्धि, 4 प्रकार की संशुद्धि हो गई, पिपासा, मारुत, आतप, पाचन, उपवास एंड व्यायाम। अब 4 प्रकार की शुद्धि में कौन सी शुद्धि नहीं आती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अनुवासन वस्ती, क्योंकि अनुवासन वस्ती से भृंगन होता है ना कि लंघन। एंड इसके बाद है कि अपतर्पण। अपतर्पण आचार्य चरक ने विमान 3 में बताया है। अपतर्पण 3 प्रकार का होता है, लंघन, पाचन एंड लंघन पाचन एंड दोष अवशेचन। ओके, 10 जो प्रकार के लंघन हैं उसमें 5 द्रव्य भूत लंघन है एंड 5 अद्रव्यभूत लंघन है। एंड आचार्य वाग्भट ने लंघन 12 तरह के बताए हैं, जिसमें इंक्लूड होता है शोधन एंड शमन, जिसमें शोधन जो है 5 प्रकार का होता है, रक्तमोक्षण, नस्य, वमन, विरेचन एंड निरू। ठीक है, रक्तमोक्षण, नस्य, निरू, वमन एंड विरेचन। एंड इसमें शमन जो है वो 7 प्रकार का है। और इसी तरह से आचार्य चरक ने जो लंघन है, इंक्लूडिंग शमन एंड शोधन, ये 10 प्रकार का बताया है। आचार्य वाग्भट ने 12 प्रकार का लंघन बताया है, इंक्लूडिंग शमन एंड शोधन। इसके बाद आता है शोधन से किसको लंघन कराना चाहिए। ऑब्वियसली जिसके दोष बहुत ज़्यादा बलवान हो उसको लंघन शोधन के द्वारा करवाना चाहिए। एंड पाचन से लंघन किसको करवाना चाहिए, जो मध्यम बल रोग हो, जैसे कि वमन है, अतिसार है, हृदय रोग, विसूचि एंड अलसक। ठीक है, एंड विबंध, गौरव, हरलास, ज्वर। एंड जो अल्पबल दोष है उनको लंघन कैसे कराना चाहिए, पिपासा और उपवास करा के। एंड बलवान व्यक्ति में अगर अल्पबल रोग है तो उसको लंघन व्यायाम से करवाना चाहिए। ठीक है, अल्पबल रोग में लंघन पिपासा और उपवास से कराना चाहिए, लेकिन अगर व्यक्ति बलवान है, अल्पबल है, तो मतलब व्यक्ति बलवान है एंड रोग अल्पबल है, तो उसमें लंघन व्यायाम से करवाना चाहिए। बलवान व्यक्ति है लेकिन रोग मध्यम बल है तो उसको व्यायाम के साथ
तीव्र धूप और वायु का भी प्रयोग करवाना चाहिए। एंड नेक्स्ट आ जाता है कि जो स्तंभन है, स्तंभन के अति योग क्या है, श्यावता, स्तब्ध गात्रता, हनु संग्रह और हनु वचो निग्रह, ये चार जो हैं स्तंभन के अति योग हैं, श्यावता, हनु संग्रह, हनु वचो निग्रह एंड स्तब्ध गात्रता। एंड इसके बाद आता है कि दोषों के संसर्ग से व्याधियाँ 62 होती है एंड बेसिकली दोष जो होते हैं वो उनका विकल्प 63 दोष होते हैं, मतलब कि दोषों का संयोग, वात पित्तवात कफ, मतलब संयोग से जो विकल्प होता है दोषों का दैट इज 63, लेकिन दोषों से जो व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं वो 62 है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एंड उसी तरह से ये लाइन इसलिए बताई है क्योंकि इसके साथ ये लाइन उन्होंने एक एग्जाम्पल रख के बताई है कि उसी प्रकार से चिकित्सा के अनेक भेद होते हुए भी सबका समावेश षड उपक्रम में ही होता है, ठीक है, और षड विध चिकित्सा में ही होता है। दोष जो है वो 63 है, दोषों का जो विकल्प है, व्याधियों का विकल्प है 62, क्योंकि एक तो सम दोष हो गया जो कि व्याधि उत्पन्न नहीं करेंगे। एंड इसी तरह से व्याधियों के अनेक प्रकार होते हैं बट उनका सबका जो समाधान होता है, उसी प्रकार से चिकित्सा के अनेक भेद होते हैं जिनका समावेश षड्विध चिकित्सा में ही होता है, और षड्विध चिकित्सा का प्रयोग मात्रा और काल के अनुसार अगर किया जाए तो वो सभी रोगों की चिकित्सा की जा सकती है। तो मात्रा और काल के अनुसार ही षड्विध चिकित्सा का प्रयोग करना है, ये आप याद रखिए। जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, त्वक रोग हैं, उनकी चिकित्सा लंघन से करनी चाहिए। एंड स्थूल व्यक्ति है, वात विकार है और शिशिर ऋतु है तो हमें लंघन ही करना चाहिए। वैसे तो वात विकार में लंघन निषेध है लेकिन व्यक्ति स्थूल है और ओबेसिटी है, शिशिर ऋतु है, वात रोग है तो लंघन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में भृंगन करना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर शोष है, मतलब टीबी है, ग्रहणी दोष है, कर्षित है रोगी, तो उसको मांस रस से भृंगन करवाना चाहिए। और सभी के लिए इन जनरल भृंगन अगर करना हो तो भृंगन सबके लिए कौन सा है, स्नान, निद्रा, मधुर द्रव्य से अनुवासन, मस्ती, ये सभी को करवा सकते हैं जिन जिनको भृंगन की इंडिकेशन है। और तैल का व्यापक मतलब इसमें क्या करना चाहिए, हमें तक्र पिनियाक का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, क्योंकि पिनियाक जो होता है वो तिल की खली होती है, वो तेल को सोख लेती है, तो तेल से जितने भी उत्पन्न कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको तक्र पिनियाक का प्रयोग कराना चाहिए। मर्म स्थान में अगर व्याधियाँ हैं और उरु स्तंभ है तो उसमें रुक्षण करना चाहिए। विष पीड़ित, स्वेद का अति योग है तो उसमें स्तंभन करना चाहिए। एंड सम्यक लंघन के क्या लक्षण है, ऑब्वियसली जो वात है, मूत्र है, पुरीष है, इनका उचित रूप से निकलना, विसर्जन होना और ठीक टाइम पर भूख और प्यास लगना, शुद्ध पिपासा सहोदय। एंड अति लंघन में क्या होता है कि जॉइंट में पेन होती है, पर्व भेद, अंग भेद, अंग मर्द, सॉरी अंग भेद नहीं है इसमें, पर्व भेद, अंग मर्द, कास, शोष और मुखस्से, ये अति लंघन के कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो दोस्तों ये था चरक सूत्र का चैप्टर नंबर 22 लंघन भृंगणीय अध्याय, जिसमें षड उपक्रम के बारे में बताया है और षड उपक्रम को थोड़ा सा डिटेल में लिया है, लंघन किस में कराना चाहिए, क्या क्या इंडिकेशंस है, कौन कौन से डिजीज़ में लंघन कराना चाहिए, लंघन शोधन से कौन से डिजीज़ में कराना चाहिए, लंघन शमन से कौन से डिजीज़ में कराना चाहिए, रुक्षण किस में कराना चाहिए एंड किस प्रकार के व्यक्ति में लंघन कराना चाहिए, किस में किस प्रकार के व्यक्ति में भृंगन कराना चाहिए, अति लंघन के, अति रुक्षण के, अति स्वेदन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, मैंने आपको सब बता दिया है। आई होप आपको ये एपिसोड यूजफुल लगा हो। सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू वॉन्ट मोर वीडियोज़ एंड फ्री ऑनलाइन MD कोचिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच।